बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम प्लेयर्स के जो है नंबर्स वगैरह भी कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए हम प्रीफैब पे जाते हैं और प्लेयर की प्रीफैब को ऐड करते हैं इनटू आर सीन और आसो प्रेस करते हैं एफ़। और यहाँ पे कैमरा को मैं थोड़ा क्लोज रखना चाहूँगा और जो रेंडम स्पान पोजीशंस हैं चलें उनका देख लेंगे क्या होता है, उनको भी कम कर लेंगे अगर करना हुआ। आई थिंक यहाँ पे अगर हम कैमरा सेट करें तो ओके, वी हैव दी थिंग। ओके सो then we'll just move it to y-axis. okay. थोड़ा सा बैक पे जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ करते हैं एंड अगेन फॉर सम रीज़न इट हैज इशू। और हाँ, जहाँ तक मेरे ख्याल से ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं इसको प्ले करके। ओके या दैट लुक्स गुड, और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। फॉर सम रीज़न हमारा करेक्टर मूव नहीं हो रहा। हाँ, बिकॉज इट इज़ ए नेटवर्क गेम। तो एनी हाउ, इसको हम सेव करते हैं और इसको अगर डिलीट करके प्ले करेंगे तो होपफुली हो जाएगा। एंड वेयर इज़ द यू आई, कहाँ पे चली गई? सो गेम व्यू फ्री फुल एच डी या स्क्रिप्ट या आई थिंक दिस मच इज फाइन। और अब हम ये देखते हैं कि हम इसकी यू आई कैसे ऐड कर सकते हैं फॉर द प्लेयर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसको जो है वो प्लेयर के अंदर जो है वो एक यू आई हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट यू आई एंड यू कैन गो फॉर दी इमेज में भी। ओके, और यहाँ पे हम इस ये जो यू आई है हमारी, इसको स्क्रीन स्पेस से वर्ड स्पेस में ले जाते हैं एंड देन वी विल जस्ट गो टू पोजीशन इट 0 0 0। ये यहाँ पे आ गया। और अब इसकी विड्थ और हाइट जो है इसको हम कम कर लेते हैं। सो फॉर 100 एंड 100। ओके, व्हाट इज़ दिस? ओके सॉरी, नो, हम विड्थ कैनवस की नहीं चेंज करेंगे बल्कि इसकी चेंज करेंगे और इमेज की। और ये ऑलरेडी 100 है, इसको हम कर लेते हैं 10 × 5। एफ़ प्रेस करते हैं फॉर फोकसिंग इट और मज़ीद इसको छोटा करते हैं 3 × 2 कर लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ी है। 2 × 1 करते हैं, ये ठीक लग रहा है। इसको प्लेयर के ऊपर ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी भी ये बड़ा लग रहा है। तो हाइट इसकी 0.7 कर लेते हैं तकरीबन। सो या दैट लुक्स गुड। और इसको आप कलर्स वगैरह अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। लेट्स ऐड ए ब्लैक कलर विद सम ट्रांसपेरेंसी और इसके ऊपर हम जो है वो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, यू आई लेगेसी टेक्स्ट। एंड इस टेक्स्ट को हम जो है वो कहते हैं प्लेयर 0 लाइक दिस। और इसको हम बड़ा करेंगे 58। कलर भी चेंज कर लेते हैं सो दैट इट शुड बी विजिबल। और प्रेस करें तो वेयर इज द टेक्स्ट? ओके, मे बी कुछ और इशू है। सो अगर आपको ऐसा इशू आए तो आप कैनवस में टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लिया करें, लेकिन सी टेक्स्ट। एंड जब हम कैनवस
करते हैं तो बाय, हम बस टेक्स्ट आ जाता है, सो वी कैन जस्ट मेक इट स्केल। सो हम यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं प्लेयर 0, एंड यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आल्सो द साइज 248 में भी, एंड ये क्यों हमें, अच्छा ये इतना बड़ा आ रहा है मेरे ख्याल से फॉर सम रीज़न, तो इसके अंदर जो है वो हमें टेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली नज़र भी नहीं आ रहा। सो लेट्स सी कि क्या इशू है। दैट वाज साइज में बहुत बड़ा था, टेक्स्ट दैट वाज नॉट क्लियर, तो हम दोबारा से ऐड करते हैं। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा साइज़ में जो है वो टेक्स्ट है, इस वजह से ये इशू जो है वो हो रहा था, तो इस टेक्स्ट को हम जो है वो स्माल करते हैं, और जब हम स्माल करेंगे तो ये फाइनली जो है वो हमारे उसके मुताबिक हो जाएगा, एंड देन डेफिनेटली कैन जस्ट नेम इट प्लेयर। जीरो, एंड यहाँ पे हम इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट, और हाँ ओके दैट्स फाइन, एंड इसको हम सेंटर कर लेते हैं, आल्सो इसको हम चेंज कर लेते हैं इसका टेक्स्ट ये कलर, और नाउ वी हैव ए नाइस यूआई फॉर द प्लेयर, और जितने भी प्लेयर्स होंगे उनकी भी यूआई जो है वो इसी तरह से हमें नज़र आ रही होगी। सो नाउ वी विल क्रिएट ए स्क्रिप्ट टू शो कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमें नज़र आना चाहिए, सो वी विल जस्ट क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट, और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जस्ट गो हियर एंड आई विल जस्ट क्रिएट ए स्क्रिप्ट एंड वी विल जस्ट नेम इट। सो नाउ हमने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है छोटी सी प्लेयर सेटिंग के हवाले से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये वाली लाइब्रेरी ज़रूर ऐड करनी है, अदरवाइज़ यू विल फेस इश्यूज कलेक्शन लाइब्रेरी यू आई नेट को। इसके बाद हमने नेटवर्क बिहेवियर जो है क्लास ले ली है मोनो बिहेवियर को छोड़ के, देन वी हैव क्रिएटेड टेक्स्ट प्लेयर नेम। उसके बाद हमने जो है प्राइवेट नेटवर्क वेरिएबल बनाया है, और इसको जो है साइज दिया है इन स्ट्रिंग फिक्स स्ट्रिंग। यूजली होता है ऐसे कि अगर आप सिर्फ स्ट्रिंग दें तो नेटवर्क वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग जो है वो मिनिमम स्ट्रिंग को लेता है यानी ज़ीरो को ले लेता है, तो इसलिए आप फिक्स स्ट्रिंग अगर देंगे तो इशू नहीं आएगा। उसके बाद नेटवर्क प्लेयर नेम हमने इसको दिया, यानी इसी वेरिएबल को हमने नेटवर्क वेरिएबल भी बनाना है, और उसको इक्वल टू न्यू नेटवर्क वेरिएबल एंड प्लेयर ज़ीरो इसको हमने इनिशियल वैल्यू दे दी। उसके बाद जो है नीचे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे वाइड ऑन नेटवर्क स्पान फंक्शन, और इस पर हम ये कहेंगे कि नेटवर्क प्लेयर नेम डॉट वैल्यू, यानी प्लेयर नेम की वैल्यू को ले लेना है ऑन नेटवर्क स्पान जो फंक्शन था हमारा दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर, उसको हमने ओवर राइड किया है, और उसमें नेटवर्क प्लेयर नेम डॉट वैल्यू को ऐड किया है, और प्लेयर प्लस ऑनर क्लाइंट आईडी प्लस 1 ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट प्लेयर 1 होगा, सेकंड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से, एंड देन वी हैव एडेड द प्लेयर नेम डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो हमने ऐड कर दी है, और आल्सो वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी किया है ताकि यूआई पे कोई इशू ना आए। सो दिस इज़ ए सिंपल स्क्रिप्ट, और इसकी मदद से अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो कभी कभार क्लाइंट और रीड परमिशन जो है वो एवरीवन को नहीं होती, तो उसके लिए ये कोड है जो कि मैंने कमेंट में डाल दिया है, इसको आप जो है वो कॉपी करके और कामा दे के जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये फॉर सम रीज़न काम नहीं कर रहा, अलबत्ता यही इसका दुरुस्त तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड कर देंगे रीड परमिशन को एंड देन कॉमा डाल के आप
जो है राइट परमिशंस को भी इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एरर दे रहा है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है प्लेयर की काउंटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस स्मॉल स्क्रिप्ट, इसको हमने प्लेयर प्रीफैब के ऊपर ऐड कर देना है। मैंने ऑलरेडी प्लेयर प्रीफैब के ऊपर इसको ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो यूआई हमने क्रिएट की थी टेक्स्ट, इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट दे दी और इसके नीचे ये जो हमने यूआई क्रिएट की थी इसके अंदर इमेज के अंदर ये टेक्स्ट ये प्लेयर की को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी फील्ड में ये टेक्स्ट जो है ये आपने ऐड कर लेना है और ओवरराइट कर लेना है प्रीफैब को। सो नाउ अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यू विल सी के वी विल हैव ए प्लेयर विद द नेम प्लेयर वन, यू कैन सी। और यहाँ पे एक इशू, यहाँ पे आप देखें जब ये मूव करता है तो प्लेयर उल्टा लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना लेते हैं। और इफ़ यू गो टू दी स्क्रिप्ट एंड इफ यू गो टू दी सी शार्प स्क्रिप्ट एंड कैमरा यू आई, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इट्स डजेंट मैटर। और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे जो कि होगी लुक, जो हम लेट अपडेट फंक्शन के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट से वाइड, सॉरी वाइड लेट अपडेट, और इसके अंदर हम ये कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट, और यहाँ पे डॉट लुक एट हम करते हैं और यहाँ पे हमने ब्रैकेट डालने और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और फिर हम इसके अंदर प्लस करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे कैमरा डॉट मेन, यानी जो भी हमारा मेन कैमरा होगा डॉट ट्रांसफॉर्म और डॉट फॉरवर्ड, यानी जो हमारा कैमरा होगा तो उसकी जो जी एक्सिस हैं वहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो शो होगा। सो हम इसको सेव कर लेते हैं। और इस स्क्रिप्ट को भी हम जो है वो प्लेयर पे ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू प्लेयर यूआई एंड सेव कर लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं। सॉरी मैंने प्रीफैब के अंदर ही हूँ। एनी हाउ आप देख सकते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे ये कैमरा जो है उस तरह से ही प्लेयर को फॉलो करता जाएगा। ओके सो या दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से ये हमने टेक्स्ट को ये फॉलो करता है कैमरा ऑटोमेटिकली। और या सो डेफिनेटली अगर आपकी मल्टीप्लेयर गेम है तो उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अपने प्लेयर्स हैं आपके उनकी मैशेस को चेंज करना चाहते हैं, मैश के टेक्सचर को, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। और हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लेते हैं और लेट्स सी के उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। प्लेयर सेटिंग जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई करेक्टर है और उसका हम मैश को चेंज करना चाहते हैं मैश रेंडर को, और जस्ट हम यहाँ पे कलर्स को चेंज करेंगे तो कैन जस्ट क्लिक हियर एंड सीरियलाइज फील्ड एंड देन वी कैन जस्ट क्रिएट ए प्राइवेट वेरिएबल और इसको हम मैश रेंडरर का नाम देंगे। ओके मैश रेंडरर, ओके एंड देन इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैं इसको मैश रेंड
और कई नाम दे देता हूँ, एंड देन डेफिनेटली हम इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। और इसके अंदर हम जो है वो कलर्स दे सकते हैं, सो इसे कलर्स ओके, सो हेयर वी विल जस्ट ऐड कलर, एंड यहाँ पे हम उस लिस्ट का नाम दे सकते हैं कलर्स, और हम इसको इक्वल टू कर देते हैं न्यू, और यहाँ पे करते हैं लिस्ट एंड कलर। ओके सो नाउ हम इसको क्लोज करते हैं। हम अवेक फंक्शन के अंदर जस्ट डिलीट कर देते हैं इसको फॉर टाइम, और बहरहाल आपने देख लिए किस तरह से आप परमिशंस दे सकते हैं। तो यहाँ अवेक फंक्शन में हम कहते हैं कि मैश रेंडर इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे हम करते हैं जी कि मैश रेंडरर। ओके सो ये हमने गेट कर लिया, और उसके बाद नीचे जो वहाँ ऑन नेटवर्क स्पान का फंक्शन है तो इसके अंदर हम नीचे आ जाते हैं लास्ट लाइन पे, सो जस्ट गो हियर एंड हियर विल से मैश रेंडरर डॉट मटीरियल। इसका टेक्सचर भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर मटेरियल है किसी ऑब्जेक्ट पे तो मैं आपको मटेरियल की एग्जाम मटेरियल डॉट कलर ओके एंड इज इक्वल टू कलर्स और फिर हम यहाँ पे जो है वो एक अरे बना लेते हैं कलर्स की। तो यहाँ पे इसकी अरे बना ली, और इसके अंदर हम कहते हैं जी कि इंट, और फिर हम यहाँ पे जो है ओनर क्लाइंट आईडी को जो है वो पिक कर लेते हैं। सो अब क्या होगा जी कि ये डिफरेंट कलर्स जो है वो खुद बखुद ही असाइन करेगा, यानी फर्स्ट कलर है फॉर एग्जांपल ग्रीन तो उसमें रेड को ऐड कर देगा, या ऑरेंज को या येलो को, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो काम करेगा। जो हमने यहाँ पे मिस की है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें मैश रेंडर जो हम पिक कर रहे हैं वो हम पिक कर रहे हैं फ्रॉम दी व्हाट इज दिस ओके एनी हाउ हम मैश रेंडर जो पिक कर रहे हैं वो मेन गेट कंपोनेंट कर रहे हैं, यानी कि प्लेयर का ही, लेकिन जो मेन प्लेयर की प्रीफैब है उसके अंडर जो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है वो हमारे पास मैश रेंडर था जो कि मेन सोल्जर था। तो हम यूँ कर लेंगे कि गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन को जो है वो पिक कर लेंगे हेयर इंस्टेड ऑफ द मेन थिंग। तो हम कह लेंगे इन Children, I just forget the spelling. Children, okay. So, okay. ये हो गया चीज। अब हम ये क्यों एरर आ रहा है? New list, color and okay. This. L should be capital, so that was the issue. So यहाँ पे save कर लेते हैं इसको and let's try. तो अगर आपका कोई colors वगैरह हैं आपकी mesh के ऊपर तो वो definitely जो है वो manipulate होंगे। so अगर हम play करते हैं तो
ओके करते हैं, तो ये फर्स्ट कलर जो है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर आएगा, और वैसे भी प्लेयर का जो कलर है वो यहाँ पे यूजली वो टेक्सचर ही यूज़ कर रहा है। तो अगर हम जहाँ पे जाते हैं तो ये जो हमारा सोल्जर है इसको अगर आप देखें तो ओके, यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं कि मैश रेंडर जहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि इसके बाद के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ये स्किन मैश रेंडर जो है वो यूज़ कर रहा है, तो इसको आप पिक कर सकते हैं और फिर इसके कलर को जहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें। एनी हाउ, हमने आपको एक सिंपल सा मेथड बता दिया कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट, आई थिंक हमने बेसिक्स जो हैं वो सीख ली आई होप कि मल्टीप्लेयर गेम की, और इसको बिल्ड कर लेते हैं और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, और इसको जो है वो पता नहीं ये बहुत छोटा क्यों आ रहा है, हालांकि 6 फुट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो मैं 1280 करके देख लेता हूँ, 720, और ये तो फिर फुल साइज़ आ जाएगा, पता नहीं आओ, आई विल जस्ट सेव इट और आई विल ट्राई इट, और इसको अब हम बिल्ड कर लेते हैं और इसको ट्राई कर लेते हैं। तो आप मल्टीपल जगह पे इसको बिल्ड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ विद द नेम ऑफ ए फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने इसको विदाउट नेम कर दिया, तो चलें न्यू फोल्डर में एक बिल्ड बना देते हैं और एक दो बिल्ड्स और फोल्डर्स में बना लेते हैं। ओके, सो अब मैंने कुछ इसके बना लिए हैं बिल्ड्स, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम जो है ये न्यू फोल्डर 3 इसको ओपन करते हैं और न्यू फोल्डर 2 को ओपन कर लेते हैं। आल्सो न्यू फोल्डर सिंपल, तो मैंने एक चीज़ हमने देखी कि ये फॉर सम रीज़न इसने बड़ा नहीं किया साइज़, एनी हाउ दैट इज़ बेटर, क्योंकि हम इस साइज़ में ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी गेम को एनालाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम होस्ट को रन करते हैं, यू कैन सी इट्स वर्किंग गुड। यहाँ पे क्लाइंट को रन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी दिस इज़ प्लेयर 2, और यहाँ पे एक और क्लाइंट ऐड करते हैं विच इज़ प्लेयर 3, एंड दैट्स ग्रेट, यू कैन सी कि हम तीनों में एनिमेशंस भी सिंक हो रही हैं और शूटिंग भी हो रही है एंड एवरीथिंग वर्किंग फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इट इज़ प्रोबेबली द लास्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।